जी भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या बात हुई थी? जी मैं ग्राम गंदरौले उंगहती थाना जिला बदायूं हूँ का रहने वाला हूँ, और हमारे साथ में बहुत नाइंसाफी हो रही है। मेरा लड़का दिल्ली में पढ़ता, दिल्ली में भी रहते हैं, देशबंधु कॉलेज में पढ़ता था, एनसीसी कर रखी थी और बीए फाइनल था, मिलिट्री के लिए वो जॉब के इंतजार में था। यहाँ आया अपने ताऊ के पास होली पे, उसके बाद यहाँ लॉकडाउन में फंस गया, उसको गोली मार दी रात के 10:01 पे। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसको लास्ट बॉडी लेके वो इलाज के लेके गए थे हम, तो दो बंदे हमारे और गोली मारने वालों ने उठवा दिए यहाँ से। उसके बाद इलाज के लिए लेके गए, इलाज से वहाँ डिस्चार्ज कर दिया। हमने दरोगा जी साहब को बोला, प्रमोद हरपाल सिंह को, कि हमारे इसका कहीं इलाज करवा दो। बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना कर सकता हूँ, आपको परमिशन बना के दे सकता हूँ कहीं दवाई लाने के लिए, वो इतना ही कर सकता हूँ मैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने वहाँ से डर से 17 अप्रैल को ख़त्म हुआ लड़का, 24 अप्रैल को रिपोर्ट कराई। रिपोर्ट कराने के बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, और वो हमको धमका भी दिए थे एक दो बार, धमकाए हैं। दरोगा जी को बोलते हैं, दरोगा जी बोलते हैं हम क्या करें, हमको रिकॉर्डिंग करा के दो, वीडियो बना के दो, और वो पैसे की धमकी देते हैं कि हम 4-5 लाख रुपए दे चुके हैं और तुमको एक दो को लौटकाएंगे, और एक दो बार आए भी हैं यहाँ पे ये। और लड़का ख़त्म हो गया 25 मई को, यहाँ पे हमने लाश देने से इनकार कर दिया, तो आए 4-5 थाने की पुलिस आई, और उसके बाद में CO साहब आए, CO साहब ने जो है आगे और पुलिस ने लाठी चार्ज करने का धमकी दे के लाश को ले गए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम से हम 30 किलोमीटर आगे आ गए, उसके बाद के बोल दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। हाँ पोस्टमार्टम हुआ है उसका। उसके बाद में उन्हें हमको परमिशन दे दी, आप चलो जाओ अपने घर, ठीक है, एक पर्ची से देंगे कि वो जाओ, कोई बात नहीं, जाओ आप जिसका दाह संस्कार करो। उसके बाद 30 किलोमीटर निकल आए तो बोले दोबारा पोस्टमार्टम होगा इसका। तो हमने SO प्रमोद कुमार जी ने बोला कि दोबारा होगा प्रमोद ने, तो वो मैंने कहा जी हम दोबारा नहीं कराएंगे, हमारे घर पर रिश्तेदार कल के पड़े हुए हैं, भूखे प्यासे सब उसको देखने लगे तैयार हैं और वो परेशान है सब, हम नहीं कर पाएंगे। वो गाड़ी लेकर ठोक के भर के गए, पुलिस ने डंडे के बल दोबारा हमको पोस्टमार्टम के लिए भेजा बदायूं। उसके बाद में वहाँ पे हो सकता है कुछ कागज़ कार्रवाई में गड़बड़ी करी है, हमको जायज लगता है ऐसे। अब आप क्या चाहते हैं? और दो आदमी के नाम रिपोर्ट दर्ज है 24 अप्रैल से, और आज तक कोई सुनवाई, कोई छेड़छाड़ नहीं उनकी, खाली पैसा चला है जी, पैसा चला है उंगहती थाने में, पैसा चला है बस। नाम दर्ज वो प्रमोद कुमार, उसका लोकेश है, अखिलेश है, और उसका एक प्रेम कुमार है चाचा, वो है दो। बाकी आप क्या चाहते हैं, क्या मदद चाहते हैं? मदद क्या, इंसाफ चाहिए सर, वो अंदर जाने चाहिए, और जो सलाहकार है वो भी अंदर जाने चाहिए। जो सलाहकार हैं, दो चार की रिपोर्ट लिखवाई थी हमने, वो दो की लिखी, उन्होंने हमको वहाँ से धमका दिया भाई को हमारे, इनको डर के मारे हमने एक हफ्ते बाद रिपोर्ट कराई है कि हमको जान मान का खतरा है, इसलिए।